मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, और आज मेरे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं। मैं पहले इनके बारे में बताऊं, ये तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से बहुत ही टॉप लेवल पे हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं पहले उनके बारे में एक बार ब्रीफ कर दूं। तो आज मेरे साथ मुकुल कुमार जी हैं। मुकुल कुमार जी, आज की डेट में अगर मैं करंट पोजीशन की बात करूं, तो ये पैसेंजर मार्केटिंग नॉर्दर्न रेलवे के हेड हैं। आप इनको पैसेंजर मार्केटिंग नॉर्दर्न रेलवे के हेड कह सकते हैं। साथ के साथ अगर मैं इनके थोड़ा सा प्रीवियस जो इनकी अचीवमेंट है, पहले मैं उनको भी एक बार बताना चाहूँगा। ये एक तो 1997 बैच से जो हमारे इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसके थ्रू IRTS जो कि इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज होते हैं उसमें ये गए थे। उसके बाद इन्होंने फिर रेलवे को ज्वाइन किया, उसके बाद इन्होंने रेलवे बोर्ड में रहे। साथ के साथ इनकी जो कुछ और अचीवमेंट, एक तो ड्यू के प्रोडक्ट हैं, तो इनका जो पूरा क्वालिफिकेशन है, जो बैकग्राउंड है, वो भी बहुत हाई एंड है। साथ के साथ अगर इनके जो अवार्ड्स की बात करें, तो एक तो इनको नेशनल अवार्ड जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए 2006 में दिया जा सका। उसके अलावा इन्होंने M.Phil किया हुआ है, और 2012 में, अब इनके जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कि एक तो इन्होंने दो बुक लिख रखा है, उस बुक के भी बारे में बात करेंगे, और उसके पहले कुछ इन्होंने पोएम भी 2012 में पब्लिश कर रखा है। तो मुकुल जी को आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा जो इनकी जो पहचान बनी, इनकी बुक की वजह से ज़्यादा बनी, और ब्यूरोक्रेटिक का वो बाद में हो गए, पहले ब्यूरोक्रेटिक पहले थे, अब ये थोड़ा सा उस पर पीछे जा रहे हैं। और जो इन्होंने बुक लिखी है, ज़रा मैं उस बारे में भी बात करें और ज़रा इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और इस बुक के बारे में एक चीज़ बताऊं, जो दो बुक हैं, एक बुक जो पहले लिखा था और एक बुक जो नया लिखा, जो नई वाली बुक थी उसको जो पब्लिश किए हमारे जो एक मिनिस्टर हैं महेश शर्मा जी, जो अभी बीजेपी के सरकार में थे, उन्होंने पब्लिश किया, और बॉम्बे में हमारे जो एक्टर हैं मनोज वाजपेयी जी, उन्होंने पब्लिश किया था। तो एक बुक था जो ये पूरा फ्रिक्शन है, दोनों के दोनों बुक फ्रिक्शन है, लेकिन पहले मैं एक एक बुक करके बात करता हूँ। तो जो पहला बुक है एज बॉय बिकम मैन, ये इनकी पहली बुक थी। तो पहले इसके बारे में बताएंगे मुकुल जी कि ये क्या है, किस तरह का, बड़ा अजीब सा टाइटल है अगर मैं बात करूं, बच्चा बड़ा हो गया। As boys become men, जैसे टाइटल आपको बता रही है कि एक यंग मतलब लड़का और लड़की जब अपने आप को प्रिपेयर करता है वर्ल्ड में स्टेप इन करने के लिए, तो उस समय का जो स्ट्रगल है, हाउ ही और शी डिटरमिंस द गोल, व्हाट एफर्ट्स दे मेक टू अचीव दैट गोल, एंड द केमिस्ट्री बिटवीन द फैमिली एंड द चिल्ड्रन एट दैट टाइम, ये सब चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से उभारा है मैंने। और प्लस तीन लड़कों की कहानी है जो घर से दूर रखे गए हैं, और उस समय आपस में इनकी जो बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप, जब यूथ होता है तो फ्रेंडशिप एक नेचुरल थीम है, रोमांस भी होना है, जब आप यंग है तो रोमांस भी आप फिर दूर नहीं हो सकता। तो बड़ा एक तरह का कॉकटेल टाइप की नॉवल है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग रचना है। इसको मैं, अगर मुझे एज अ राइटर डिस्क्राइब करने को कहा जाए, तो मैं इसको बोलूँगा इट इज़ अ कॉकटेल ऑफ फन एंड फिलोसफी। ग्रेट। दूसरी जो बुक है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सेडिक्शन बाई ट्रुथ, ये अभी लेटेस्ट बुक है जो कि अभी पब्लिश हुई है, तो इसके बारे में जरा मुझे बताएं, तब हम अपने पॉइंट पे आएंगे कि हम जिस एजेंडे के लिए आए वो भी डिस्कस करेंगे। While talking about the first book, I spoke about youth, ambition, then passion, and then friendship, romance. And second one is about, you know, about marriage, okay. Which is one of the, you know, trickiest, you know, chapters of one's life. और इसका जो कंक्लूडिंग जो इसका ब्लर्ब है, इसका जो कंक्लूडिंग लाइन है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ अ स्टोरी पार्ट रियलिटी पार्ट लेजेंड दैट डेयर्स द मॉडर्न रीडर टू सॉल्व मैनकाइंड्स ओल्डेस्ट पजल। ग्रेट। So that is how we call it, and it is very exciting book again because this explores the complexity of the relationship, marriage ke bare mein, especially in the urban setup. Okay. तो जो नया अभी आप जो नया जो generation खड़ा हो रहा है, जो relationship change हो रहे हैं, marriage के forms change हो रहे हैं, marriage में expectations change हो रही हैं, तो ये institution कहीं ना कहीं से, मेरा मानना है कि ये institution कहीं ना कहीं से अपने आप को redefine करने के process में है। तो उस चीज़ को मैंने इसमें डील किया है, और हर एक शादीशुदा आदमी बहुत इसको क्लोजली इनके पात्रों से, इस कहानी से अपने आप को मतलब रिलेट कर सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत। और आप भी एक बार इस बुक को देखें, जरूर समझें क्या है और कैसा है, और जैसा भी हो फीडबैक जरूर दें। अब हम अपने मुद्दे पे भी आते हैं कि जो हमारा मुद्दा था कि जो टॉप लेवल के लोग हैं वो इन्वेस्ट कैसे करते, क्या है मुकुल जी दिक्कत, क्या है आज की डेट में मार्केट में लोगों को पता ही नहीं कि इन्वेस्ट कैसे करें, और हमने इस पर बहुत ज्ञान बांट रखा है, ऐसा नहीं कि हमने ज्ञान नहीं बांटा, बहुत ज्ञान बांटा है, लेकिन उस ज्ञान में दिक्कत क्या थी कि प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं थी। हमें लगा कि हमें उन लोगों से भी कनेक्ट होने की जरूरत है जो आपके जैसे जो लोग हैं जो बैठे हैं और जो कर रहे हैं, रादर कि मैं एक टीवी देखूं और उस पर देखूं कि वो
आदमी बैठा है और ज्ञान दे रहा है जो खुद नहीं कर रहा, तो हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हम इसको अपने आप को हमने अलग करने की कोशिश की है। तो सबसे पहली चीज जो मैं बात करूंगा, आप दो तरह से सक्सेसफुल हो रहे हैं, एक तो आप ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के देश के टॉप लेवल में बैठे हैं, और दूसरा आपकी बुक की वजह से अभी आपकी जो पहचान है वो दूसरे तरह से देखी गई है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, अपने सक्सेस को आप कैसे देखते हैं, पहले ये बताएं। As far as I feel when I look back at my journey, I feel it is more about happiness and contentment than success. Success का कहीं कोई end तो है नहीं, success आप हमारे लिए जो success है वो हमसे ज़्यादा successful लोग हैं ना उनके लिए वो success नहीं है। But I feel that I joined a very prestigious service where I call this service a perfect combination of you know service and authority. Authority to make changes, changes which are meaningful, for, you know, for meaningful, which can change the lives of the society. I can that gives you the opportunity to serve the people directly or indirectly. उस service को join करने के बाद एक बड़ा contentment महसूस हुआ, और उसके बाद जब मैंने journey अपनी start की तो somewhere in the middle of the life I thought कि नहीं it is not the end of the road. एक writer भी है आपके पास. Yes, it is not the end of the road. And I have to do something else also in my life. So when I look back, I really feel satisfied that I have been able to do something meaningful to my life. एक जो अर्थ मतलब एक जिंदगी में एक कहीं ना कहीं थोड़ा खालीपन आ रहा था, उसको इस राइटिंग ने पूरा करने में बहुत मदद किया हमारी, और बहुत मतलब इसने मुझे genuine एक happiness और संतोष दिया है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए दिक्कत क्या है कि आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और जो मिडिल क्लास की जो चैलेंजेज मुझे समझ में आती है, आप भी सैलरी लेते हैं, कमाते हैं, और कहीं ना कहीं आपके अपने फ्यूचर प्लान भी हैं, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, अब मैं ये नहीं कहूँ आपकी सैलरी कितनी है, हो सकता है ज़्यादा और कम हो, मैं उसमें भी नहीं जाने की कोशिश, सरकारी ऑफिसर्स की सैलरी जो है वो सबके सामने मैं उसमें जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा अब ये है कि आपके भी बच्चे हैं, मुझे भी पता है कि आपकी फैमिली है, सब कुछ है, तो आप जब आपकी जो सैलरी आती है तो पहला ध्यान तो टैक्स सेविंग पे आता ही आता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी भी रिटर्न फाइल करनी है, वो हम ही करते हैं, लेकिन हमें भी लगता है कि टैक्स कैसे सेव करें। तो आप ये बताएं कि आप जो टैक्स सेविंग की जो प्लान रखते हैं और जो सोचते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, और किस तरह की प्रोडक्ट को आप देखते हैं कि वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है। इस मामले में मैं आई एम बिट ट्रेडिशनल एंड फिर कंजर्वेटिव इन माय अप्रोच। आजकल मार्केट चेंज हो रहा है, इट हैज बिकम वेरी एक्साइटिंग एंड टेम्पटिंग आल्सो, यू फील लाइक योर मनी कैन ग्रो वेरी फास्ट, बट पर्सनली स्पीकिंग आई हैव बीन ऑन द यू नो प्रीडोमिनेंटली ऑन द कंजर्वेटिव साइड। मेरा पहला झुकाव जो है, पहली चॉइस मेरी पीपीएफ है, वो सब शुरू से रही सर्विस में, और आज तक पीपीएफ से कुछ पैसा बच गया जो सिक्स्थ पे कमीशन के बाद थोड़ी सैलरी हम लोग की बढ़ी, और अभी थोड़ी रिस्पेक्टेबल। फिर दो तरह से सैलरी आ रही है, तो आपको राइटिंग का भी रॉयल्टी नहीं, राइटिंग की रॉयल्टी अभी नहीं आना शुरू हुई, वही कह रहे हैं कि राइटिंग अब मैं हो सकता है कि नाउ आई कैन लुक टू फ्यूचर जहां पर कि राइटिंग से बाकी रॉयल्टी आए। अभी तक तो मैं अपने आप को जमा रहा था, और राइटिंग का वर्ल्ड अभी बहुत टफ वर्ल्ड हो गया है। इट इज ऑलमोस्ट यू नो इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू मेक ए लिविंग आउट ऑफ राइटिंग। तो वो चीज है, जहां सर्विस की बात करें, सैलरी की बात करें, तो पीपीएफ के अलावा कुछ पैसे अगर बच गए सिक्स्थ पे कमीशन के बाद, जैसे मैंने बताया कि काफी थोड़ा अच्छा हम लोगों का हाइक हुआ था पे में, तो कुछ पैसे बचते हैं, तो म्यूचुअल फंड वाज द ऑब्वियस चॉइस, हम भी सुनते थे। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम, चूंकि मैं अब सर्विस भी है राइटिंग भी है, तो आई कांट से कि मैं बहुत इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ जो चीजें आई एम अलर्ट, इफ आई एम नॉट वेरी कीन, एटलीस्ट आई कैन से कि आई एम अ बिट अलर्ट, PPF और म्यूचुअल फंड मिला करके मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो बहुत अच्छी चीज, कम से कम आप डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नया इंस्ट्रूमेंट आगे है। उम्मीद है कि अगर मैं ऐसा लिखता रहूं, मेरी यात्रा होती रहे, तो हो सकता है कि वो भी दिन आएगा जब मुझे राइटिंग से अच्छे पैसे आएंगे। अच्छे पैसे हम चाहेंगे भी कि अच्छे पैसे आए। अब एक दूसरा क्वेश्चन, एक तो आपने ATC के हिसाब से जो बताना था वो तो बताया जी, अगर मैं ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो की बात करूं, तो आप किस तरह की चीजों में पैसा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं या करते हैं, कि अगर आपके पास है तो एक ऑप्शन तो ये है आपके पास कि ATC में तो आपने पैसा लगा ही दिया जी, लेकिन उसके अलावा पोर्टफोलियो तो पूरा हुआ नहीं मेरा, तो क्या पोर्टफोलियो के लिए और क्या रेंटल प्रॉपर्टी में आप देखते हैं, या किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में देखते हैं, फिक्स डिपॉजिट में देखते हैं, या स्टॉक मार्केट की तरफ देखते हैं, किधर आपका झुकाव होता है? स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड तो स्टॉक मार्केट ही हो गया। नहीं, दो तरह, एक तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में मैं नहीं हूं। तो फिर और पोर्टफोलियो में आपके पास क्या-क्या? मेरे पास उतना एक्सपर्टीज भी नहीं है और टाइम भी नहीं है,
और शायद उतने पैसे में नहीं है कि स्टॉक मार्केट के लिए आपको यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव, तो मिडिल क्लास मेंटेलिटी आप जानते हैं एक रिस्क एपेटाइट बहुत कम रहता है, तो जो पैसे एक सेफ्टी हो गए, इट इज आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ आई मस्ट से सेफ्टी एंड सेफ्टी रिटर्न्स। तो सेफ्टी करीब समझ लीजिए कि 80% पैसे तो चले ही जाते होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है पीपीएफ वगैरह में, उसमें थोड़ा बहुत बचा तो मैंने बोला कि एसआईपी वगैरह, उसमें भी मार्केट में भी मैंने पैसे लगाए म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ भी सेफ्टी का ही रास्ता लिया कि चलो एसआईपी करेंगे ताकि वो रिटर्न एवरेज हो जाए। आपका कहना है कि तो फिर आप प्रॉपर्टी में या रेंटल प्रॉपर्टी की तरफ आप नहीं? नहीं, रेंटल प्रॉपर्टी ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी तो एक आध घर तो सब लोग बुक करते हैं, लेकिन आजकल रियल एस्टेट में आप देखेंगे आपको रिटर्न बहुत ज्यादा है नहीं, और प्लस पर्सनली स्पीकिंग जहां तक मैं जाऊँ रियल एस्टेट बड़ा मिनिमल टाइप का मेरी मानसिकता कभी रही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग राइटर होंगे ना वो राइटर और दुनियादारी थोड़ी सी तो दोनों में टकराहट रहती है, तो मेरी एनर्जी जो है वो यहाँ ज्यादा चली जाती है, तो यहाँ मैं सेफ अपना प्ले करता हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, वो तो समझ गया, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बहुत लोग हमें देखते हैं, हमारी व्यूअर्स भी हैं जो बहुत, लेकिन आइडियली होना चाहिए, और मैं बड़ी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि व्हेन आई कम अक्रॉस दिस लिटरेचर दिस मैगजीन न्यूज़पेपर्स आई फाइंड लॉट ऑफ स्पेस इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द लिटरेचर ऑन इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज यंग जनरेशन हैज रियली बिकम वेरी स्मार्ट एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम एंड देयर इज नो हार्म बिकॉज इट इज योर मनी एट द एंड ऑफ द डे 100%। सो यू हैव टू ऑप्टिमाइज द वे यू हैव टू ऑप्टिमाइज, और अगर आपकी हार्ड एंड मनी है तो दैट इज ऑल द मोर रीजन फॉर यू टू बी वेरी प्रैग्मेटिक विद रिगार्ड टू योर इन्वेस्टमेंट्स। भाई पैसा आपका है, दूसरा कोई नहीं, 10 रुपए का अगर आपने कोई बंदा 20 रुपए बना रहा है और आपने 30 बनाया तो इट इज अ पर्सनल मैटर ऑफ इमेंस पर्सनल सेटिस्फेक्शन फॉर यू। और यहाँ बात करें तो वॉरेन बफे की बात करें जी, उन्होंने ही इज द वर्ल्ड टीचर फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स कि कैसे उन्होंने सेफ और थोड़े थोड़े स्टॉक लेकर के वेल्थ को बढ़ाया एंड ही हैज शोड ऑल टुगेदर न्यू पाथ फॉर इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया को उन्होंने। तो क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ राइटिंग नहीं है, क्रिएटिविटी इन्वेस्टमेंट में भी दिखलाई जा सकती है, और कितना अच्छा है, इट इज अ मैटर ऑफ इमेंस सेटिस्फैक्शन, उतना ही पैसा मेरे हाथ में है उतना ही पैसा के हाथ में है और आपने उसको कितना मैनिफोल्ड बढ़ा दिया और मैंने बढ़ा पाया। ये जो मुकुल जी जो बात कह रहे हैं कि ये आपका पैसा है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पैसे की सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट जी, तो एक चीज मैं यहाँ पे एक ऐड करूंगा कि अगर आप हमारे पुराने वीडियो पे जाओगे तो हम हमेशा एक बात कहते हैं कि एडवाइजर तो बहुत अच्छा है बट एडवाइजर से आप सावधान रहें, क्योंकि एडवाइजर भी पैसा कमाना चाहता है और ये आपका बहुत हार्ड मनी है जो आपने बड़ी मेहनत से कमाया, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको प्रोटेक्ट करें और उसको अच्छे से जी। तो ये आपका कहने का मतलब यही है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं पोर्टफोलियो में अगर और बात करूं तो आपको क्या लगता है कि क्या अगर आप भगवान करे कि आपका बुक बहुत अच्छा चले और उसकी रॉयल्टी आपको करोड़ों में आए, तो उस केस में जो आपका पोर्टफोलियो होगा या जो भी आप पोर्टफोलियो सोचते हैं उसमें आप क्या क्या प्रोडक्ट रखना चाहेंगे? मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड जो मुझे अभी तक ये समझ में आई है बात, दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट द आउटसेट आई हैव मेड इट वेरी क्लियर, म्यूचुअल फंड इज अ वेरी गुड आई थिंक मींस इट इज अ वेरी इट इन इट सेल्फ दो यू आर पुटिंग योर मनी इन द मार्केट बट इट इज एन आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ सेफ्टी एंड रिटर्न, वहाँ भी आपको सेफ्टी दे रहा है थोड़ा, स्टॉक मार्केट इज अ बिट एग्रेसिव एंड आई थिंक पीपल ओनली हु आर वेरी कॉन्फिडेंट शुड एंटर इनटू स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो यानी कह रहे हैं मतलब अगर मैं इनकी बात को समराइज करूं तो जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा रिस्की भी है, और उनका कहना है कि थोड़े समझदार लोगों के या जिसके पास समय है वो जो मार्केट उनके पास अगर सरप्लस है आपके पास हाँ। तो आप स्टॉक मार्केट में रिस्क ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा एक्साइटमेंट भी वहाँ है। मैं हर चीज को जिंदगी में किक और एक्साइटमेंट के हिसाब से ही देखता हूं। यस, मेरा मानना है कि अगर कुछ पैसे हैं आपके पास सरप्लस एंड यू कैन प्ले विद दैट मनी तो देयर इज नो हार्म इन अर्निंग सम एक्साइटमेंट आउट ऑफ इट, क्योंकि प्रोसेस इज यू नो इज द प्रोसेस शुड ऑल्सो बी इक्वली ब्यूटिफुल। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो बड़ा अच्छा है कि दैट कीप्स यू ऑन टेंटर हुक्स, एक एक्साइटमेंट है, क्या पता होप है, इट अराउजेस योर होप आल्सो, क्या पता कि आज क्लिक कर जाए और हमारे बढ़ जाए बहुत ज्यादा। चलिए, तो एक अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लूंगा, क्योंकि आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और आईएएस के थ्रू आपको जो कैरेट मिला वहाँ से फिर आपकी जर्नी लाइफ की शुरू हुई। 97 में जब आपने क्वालिफाई किया उस समय भी इस तरह का कोचिंग का माहौल नहीं था, माहौल था ऐसा नहीं, कोचिंग का माहौल तो पूरा था। तो आप अगर उस पॉइंट से जो हमारे अभी आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडिया अगले साल दुनिया का यंगेस्ट कंट्री हो जाएगा, तो यंग जनरेशन की पूरी आप कह सकते हैं हमारे पास साम्राज्य है, सेना है उनके लिए, कि जो बहुत आज की डेट में आईएएस अपने आप में एक बड़ा ही कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव आज भी है, पहले भी था, और स्पेशली बिहार और यूपी के बच्चों के लिए तो हर घर में ये ड्रीम प्लान होता है, तो उनको क्या एडवाइस देंगे कि अगर आपके जैसे जिस लेवल पे आना चाहते हैं उस प्रोसेस में आने के लिए उनको क्या करना चाहिए, किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए?
सबसे पहला तो ये देखिए, फेयर होना अंदर बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है, बड़ा प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, तो गोल तो अट्रैक्टिव है ही है 100%। अब जब गोल अट्रैक्टिव होगा तो नेचुरली दैट विल टेक द बेस्ट आउट ऑफ यू। तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए मेरा ये मानना है कि अनलेस एंड अंटिल यू फील रियली फायर्ड टुवर्ड्स योर गोल, यू शुडंट टेक अप दिस यू नो एग्जामिनेशन। इट नीड्स 100% डेडिकेशन, हार्ड वर्क, और लेकिन मेरा मानना है कि नेचुरली आ जाता है। ये इतना अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है कि अगर आपने ये इफ यू हैव बीन एबल टू फिक्स योर गोल एंड यू आर सिंसियर, तो इट विल टेक द बेस्ट आउट ऑफ यू ऑटोमेटिकली। तो एक हार्ड वर्क हो गया और एक सिंसियरिटी हो गई, और आगे चल करके फिर अगर आप इसमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि मैं हमारा मानना है पर्सनली लाइफ में कि 99% यू नो डिलीजेंस, 1% स्लाइस ऑफ लक, दिस एग्जामिनेशन रियली टेस्ट दैट स्लाइस ऑफ लक ऑल्सो। तो उस चीज़ का ध्यान में रख करके जरूर एक, आजकल तो हम लोग बैकअप प्लान के ज़माने में हैं, कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जो हैं उनके बाद हर प्लान का 10 बैकअप प्लान होता है। तो एक और यंग जनरेशन बहुत समझदार भी है, हम लोग उतने समझदार नहीं थे, हम लोग कहीं ना कहीं वी वेयर क्वाइट रोमांटिक इन आवर अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ कि चलो ये करना है तो ये करना है। लेकिन आज मुझे लगता है कि यंग जनरेशन इज क्वाइट वाइज, दे मस्ट हैव अ बैकअप प्लान and nothing like joining a service like civil services which is an ideal combination of service and authority as I told you। चलिए तो अगर आप देखें हमारे पिछले वीडियो और इस वीडियो में क्या डिफरेंस है, मैं उसको भी थोड़ा यहाँ ब्रीफ करूँगा। वो एक प्राइवेट सेक्टर के टॉप लेवल के जो थे ऋषि जी, और ये एक सरकारी में, तो अगर आप इन दोनों के अप्रोच को देखेंगे ना, तो आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा कि अप्रोच कैसे दोनों के डिफरेंट हैं, उनके अप्रोच इनके। ये वीडियो का मतलब यही है कि आप आदमी टू आदमी चीज़ें जो स्ट्रैटेजी है वो वेरी करती है, उस स्ट्रैटेजी को आपको ये समझना है कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी है, किस हिसाब से आपको रिस्क टेकल करना है, और किस हिसाब से आपके पास पैसे अवेलेबल हैं। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करी, तो यंग जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि दे आर बेटर इक्विप्ड टू हैंडल द प्रेशर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में स्काई इज द लिमिट। आई कीप कमिंग अक्रॉस द पीपल हु हॉप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन नो टाइम, 100%। गवर्नमेंट में तो वंस यू आर देयर, यू आर देयर इन, ये तो हमारी मानसिकता सिक्योरिटी ओरिएंटेड हो जाती है, रिस्क एपिटाइट कहीं ना कहीं लिमिटेड रहता है। 100% प्राइवेट सेक्टर मुझे नहीं लग रहा कि मैं बहुत ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ, इस तरह की बात करने वाले बहुत कम लोग, क्योंकि ये एक ब्यूरोक्रेटिक अपने आप में बड़ा सेटिस्फैक्शन, फैसिनेटिंग, और मतलब बहुत चीजें देती है लाइफ। लेकिन यही कहा जाता है कि grass on the other side is always green. तो हम लोगों को भी कभी कभी ये feeling आती है, वैसे I am not very attracted to private sector, लेकिन एक feeling तो आती है यार, उसे पैसे वैसे बहुत मिलते हैं, यहाँ पैसे नहीं मिलते, लेकिन उन लोगों को लगता है कि जो यहाँ मिलता है वो वहाँ नहीं है। तो अब चूंकि राइटिंग होते हो, मतलब राइटर बनते बनते कहीं ना कहीं मैं फिलोसोफर भी हो गया, तो मेरा मानना है कि भाई तुमको अपनी प्रायोरिटी डिटर्मिन करनी है, क्या तुम्हें चाहिए, वन शुड रियली डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू वांट इन लाइफ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है। और मेरा मानना कुछ भी अच्छा या खराब नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा एक वाइड विजन भी मैं यंग जनरेशन को जरूर बोलूंगा। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा अपने अपने अनुभव से, दिस इज माई मैसेज टू द यंग जनरेशन, हाउस एवर ग्लैमरस योर जॉब इज, समवेयर इन द मिडल ऑफ द लाइफ दैट सेंस ऑफ मोनोटोनी इज गोइंग टू हिट यू, सो डोंट अलाउ योर पैशन टू डाई, try to nurture your passion, जो भी आपका passion है उसको nurture करते चलें, and keep an eye on the middle of your life when it will really come to your rescue। तो एक बहुत ही अच्छा लेसन था जो मुकुल जी ने दिया, जो लास्ट पॉइंट का, और ये हम उम्मीद करते हैं, और इस पैशन की वजह से भी हम लोग भी काम कर रहे हैं, ये पैशन ही हमें ड्राइव कर रहा है कि हम लोग इतनी कुछ अपने, हम लोग भी बहुत बिजी हैं, बहुत तरह की चीज़ों में लगे हुए हैं, लेकिन ये एक तरह का पैशन है कि हमें एक इन्फॉर्मेशन लोगों तक लेके जाना है। तो खैर आज के लिए इतना ही, और मैं मुकुल जी को बहुत बहुत थैंक बोलूँगा, और इनके बुक के लिए और इनके जो फ्यूचर प्लान है उसके लिए भी मैं इनको बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो ये सोचते हैं उसको ये अचीव कर पाएंगे अपने बुक के थ्रू, और हो सकता है आने वाले कुछ टाइम इनके और भी बहुत सारे बुक पब्लिश होंगे जो कि मार्केट को बहुत ही अच्छी तरह से देखने को भी मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।